चैप्टर 5 की एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एंगल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे राइट एंगल। राइट एंगल हमारा होता है 90 डिग्री। फिर है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा होता है 180 डिग्री। एक्यूट एंगल ये होता है लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हमारा होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो बड़े एंगल्स हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से जो बड़े एंगल्स हैं वो रिफ्लेक्स एंगल्स हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा गया है राइट एंगल, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, वो होता है 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। सेकेंड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री, हमने तो पढ़ा था कि ऑब्ट्यूज एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स। द मेजर ऑफ आ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल हमारा होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये है ट्रू। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट रेवोल्यूशन हमारा ये होता है हमारा 360 डिग्री का, तो ये हमारा ट्रू है। इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 53 डिग्री और एंगल बी की मेजरमेंट हमें 35 डिग्री दी है और हमें कहा गया है एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी। एंगल बी 53 डिग्री है, एंगल ए 53 डिग्री है, एंगल बी 35 डिग्री है, तो ये बड़ा हुआ ये हमारा ट्रू है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सम एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हमने लिखे हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। आप कोई भी और एंगल 90 डिग्री से छोटे लिख सकते हैं। फिर है सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से बड़े एंगल्स हमने लिखे हैं 110, 130, 145। फोर्थ क्वेश्चन, एंगल दिया हमें, एंगल को मेजर करना है, माप के एंगल को लिखना है कितने डिग्री का है। एंगल मापने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। सबसे पहले एक हम लाइन लगाते हैं, इस लाइन पे हम एंगल मेजर करेंगे। तो अगर हम इस साइड एंगल बनाएंगे, इस साइड का एंगल मेजर करना है तो हम नीचे वाले जीरो से शुरू करेंगे, अगर इस साइड का एंगल मेजर करना है तो हम ऊपर वाले जीरो से प्रोटेक्टर भी देखना शुरू करेंगे। अब हम प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को इस लाइन के इस पॉइंट से मैच करेंगे और लाइन से लाइन को मैच करेंगे और हम एंगल को ऐसे मेजर कर लेंगे। इसी तरीके से हम इस एंगल को मेजर करेंगे। हमने क्या किया, प्रोटेक्टर के पॉइंट को इस लाइन के पॉइंट पे रखा, लाइन से लाइन मैच की, ये हमारा 50 डिग्री का एंगल बना। सेम इसी तरह से फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ क्वेश्चन में भी आपने एंगल्स को मेजर करना है और ऐसे ही लिखना है माप की। नेक्स्ट हमारे पास हमें क्लॉक्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर एंगल्स बने हुए हैं, हमने एंगल को मेजर करके लिखना है। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को इस लाइन के पॉइंट के साथ मैच करेंगे, लाइन को लाइन से मैच करेंगे, ये हमारा कितना हुआ 90 डिग्री का राइट एंगल। फिर इसी तरह से सेकेंड वन को पॉइंट पे पॉइंट मैच करेंगे, लाइन पे लाइन मैच करेंगे, ये हमारा हुआ 30 डिग्री। यहाँ पे ये तो हमें वैसे देखने से ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, मेजर करेंगे, ये हमारा है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या होता है कि दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे तब वो परपेंडिकुलर बनता है। जैसे लाइन ए बी और लाइन सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसमें कर रही हैं, एंगल क्या बन रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री का। और हम इसमें लिख क्या सकते हैं इसको कि सी डी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है ए बी, सी डी हमारा ए बी पर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर क्या, कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास अब फर्स्ट क्वेश्चन आया, यस और नो बताना है हमने। अब हमें पूछा गया है एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप
एक टेबल टॉप का एच कैसा होता है, टेबल टॉप कैसा होता है, ऐसा होता है ऊपर से, और उसके ये वाले एंगल, ये वाले एंगल, ये पूछा गया हमें, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यस ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यस लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक की लाइंस ऐसे होती हैं, क्या ये परपेंडिकुलर है, नो। लेटर एल, यस लेटर एल ये परपेंडिकुलर है, यस। लेटर वी ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये है, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। एक्स वाई एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, पी क्यू परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, जो ए पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे इसको काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, एंगल पी ए वाई इसका मेजरमेंट लिखना है। अभी हमने ऊपर किया था कि परपेंडिकुलर क्या होता है, कि दो लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, तब परपेंडिकुलर बनता है। तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट की, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आया, एंगल पी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक एल हमें लाइन दी हुई है, ये परपेंडिकुलर है, एम उस पर परपेंडिकुलर है ड्रॉ किया हुआ, यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है एल लाइन को, एल लाइन को यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, एम हमारा परपेंडिकुलर है। अब हमें फर्स्ट ये पूछा गया है सी ई इज इक्वल टू ई जी, क्या ये ट्रू है, यस है, हमने बताना है सी ई, ये हमारा है सी ई, कितने यूनिट्स आ गए इसमें, यहाँ पे 1, ये हमारा 2, दो यूनिट्स आ गए। ई जी, ई जी में कितने यूनिट्स आए, सेम 1 और 2, तो दोनों दोनों में दो दो यूनिट्स हैं, तो दोनों ये इक्वल हैं, तो इसका आंसर क्या आया, यस। फिर हमें पूछा गया है ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ए सी, ए सी में कितने यूनिट्स आए, 2, एफ जी, एफ जी में कितने यूनिट आए, 1, तो 2 1 से ग्रेटर देन है, ये है ट्रू। सी डी इज इक्वल टू जी एच, सी डी 1 यूनिट, जी एच 1 यूनिट, 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल, मतलब ये क्या है, ट्रू। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास फर्स्ट है स्केलर ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, अनइक्वल होती हैं, तीनों अलग अलग होती हैं, वो हमारी होती है स्केलर ट्राइंगल। जैसे कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये हमारी क्या हो गई, स्केलर ट्राइंगल। सेकेंड है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमारी होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ट्राइंगल की 3 साइड्स में से 2 साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, एक ट्राइंगल 5 5 5, तीनों साइड्स इक्वल हुई, ये हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल हुई। फिर नेक्स्ट है हमारी राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कैसी हुई, जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बना हो, ये हमारी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एंगल्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा कि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं, तो ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट होंगे, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, मतलब 90 से कम है एंगल्स, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री से जिसमें एक एंगल बड़ा हो,
मान लो ये x 120 का है, ये 30, ये 60 का हो गया. Because sum of the angles of the triangle is equal to 180 degree. And triangle के तीनों angles का जोड़ जो होता है 180 degree होता है. अब आते हैं हम next पे. Next हमें पूछा गया है name the following triangles. हमने triangles को देखना है क्या क्या है इनके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग इनका नेम देना है जो हमने ऊपर किया है. फर्स्ट ट्राइंगल, इसकी वन साइड है 7 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड है 5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट भी 5 सेंटीमीटर. जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल. तो ये कौन सी ट्राइंगल हुई, आइसोस्केलस. सेकेंड, वन साइड है 6 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड है 8 सेंटीमीटर, थर्ड साइड है 7 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, तीनों साइड्स जिसकी अनइक्वल होती हैं वो कौन सी ट्राइंगल होती है, स्केलर. नेक्स्ट है हमारे पास वन साइड 5 सेंटीमीटर, सेकेंड 5, थर्ड 5, थ्री साइड्स आर इक्वल, इक्विलेटर ट्राइंगल. नेक्स्ट हमारे पास एक एंगल दिया है, एंगल के अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल को बताना है कि कौन सी ट्राइंगल है ये. जो राइट एंगल है 90 डिग्री का बना है, ये हमने किया है राइट एंगल. कौन सी ट्राइंगल हुई, राइट एंगल. नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारा कौन सा एंगल है, 90 से बड़ा मतलब ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये हमारी ट्राइंगल कौन सी हुई, ऑब्ट्यूज एंगल. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक बार देखने से समझ नहीं आए तो वीडियो को दो बार तीन बार देखिए और अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, फिर उसके बाद इसकी रिलेटेड असाइनमेंट कीजिए.